फूड लोग कैसे हो आप लोग दोस्तों। सबसे पहले आप सबको, आपके फैमिली को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम बनाने वाले पतले पोहे का चूड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग का रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा इसमें दोस्तों मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसानी से बनता है, आप सब लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे, तो इस रेसिपी को दोस्तों जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बनाए थे अपना आसान सा दिवाली का चूड़ा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे रेसिपी के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पतला पोहा लेना है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, 1 kg तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है कढ़ाई में दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे ड्राई रोस्ट करना है धीमे आँच पे, ताकि अपने जो पोहे हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये चिवड़े के जो पोहे हमें क्रिस्पी चाहिए, इसको डीप फ्राई नहीं करते दोस्तों, इसलिए हमें बस इसको ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पीनेस आता है। सभी पोहों को अभी हम निकालेंगे दोस्तों एक पतीले में। एंड दोस्तों अभी हम तड़के की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे 1 kg के पोहे ड्राई रोस्ट करके ले लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे तेल लेना है तकरीबन 1 कप। दोस्तों तेल गर्म होने के बाद आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, एक 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 करके डालना है। सबसे पहले चना दाल डालेंगे 1 कप। चना दाल को दोस्तों हमें ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, थोड़ा क्रिस्पीनेस आने के बाद हम इसको निकाल देंगे टिश्यू पेपर पे, ताकि और क्रिस्पी हो जाए सारा ऑयल जो जाता है। इसके बाद दोस्तों अभी हम डालेंगे अपना ड्राई कोकोनट स्लाइस्ड। ये बहुत ही ज़्यादा जलते हैं बिकॉज बहुत पतले स्लाइस्ड होते हैं, तो फटाफट से दोस्तों इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये दोस्तों बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे। अभी दोस्तों बारी है पीनट्स की। 1 कप पीनट लिया है, इसको भी हम आराम से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद दोस्तों इसको भी हम फिर निकाल देंगे अपने टिश्यू पेपर पे। अभी दोस्तों हम सारी चीज़ें निकालने के बाद जीरा और दोस्तों राई डालेंगे 1-1 टेबलस्पून। थोड़ा क्रैकल होने के बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे गार्लिक चॉप, एकदम फाइन गार्लिक चॉप डालना है, 1/2 कप तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है। इसको अच्छे से थोड़ा भूनना है हमें। फिर दोस्तों हम इसमें डालेंगे करी लीव्स, 1 कप करी लीव्स दोस्तों इसमें मैंने लिया है। इसको भी फिर हम सौते करेंगे। इसमें दोस्तों ग्रीन चिलीज डाली है मैंने 1 कप। अब आपके स्पाइसीनेस के ऊपर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको दोस्तों ज़रा ज़्यादा देर तक भूनना है। सारे के सारे अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले हो, अच्छी तरह से भूनने के बाद ही हम इसको फिर फाइनल टच देंगे। अभी दोस्तों ये जो पोहा लिया था अच्छे से कोल्ड हुए हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुए हुए, इसमें हम ये जो अपना तड़का बनाया था ना वो हम इसमें डाल देंगे। सारे के सारे जो फ्राई करके लिए थे चीज़ें वो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। ध्यान से करिएगा दोस्तों, तेल बहुत ही गर्म होता है। फिर हम डालेंगे दोस्तों नमक अपने स्वादानुसार। नमक के बाद हींग डालेंगे, एसोफोटिडा होता है, 2 टेबलस्पून, एक अच्छा स्वाद देता है अपने चिवड़े को। फिर हम डालेंगे दोस्तों पाउडर शुगर, आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालो, कम डालना है आप कम डाल सकते हो। सारी चीज़ों को धीरे धीरे अभी हम मिक्स करेंगे। एंड फाइनल जो इन्ग्रीडियंट है अपना जिससे कलर आता है वो है टर्मरिक पाउडर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आप डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करना, एंड सर्व करने के लिए चिवड़ा बिल्कुल तैयार है, इसको जरूर ट्राई करना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये चिवड़ा बहुत ही पसंद आया होगा। डाइट वाला चिवड़ा है दोस्तों, बिकॉज इसमें मैंने ऑयल बहुत कम यूज किया है, आप भी इसको कम ही यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये चिवड़ा आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक शानदार और दमदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी।